राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग के बाकी दिन अब उंगलियों की गिनती पर रह गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के शहरों की जनता अपना विधायक चुनेगी, साथ ही अपना सीएम भी चुनेगी। वहीं इनमें से तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी चार राज्यों में ऐसी स्थिति बन रही है जो न सिर्फ लोगों को असमंजस में डाल रही है बल्कि अभी अभी नए बने इंडिया ब्लॉक के भविष्य के लिए भी खतरे का संकेत दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग में अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं पहली लिस्ट में जेडीयू ने कुल 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस इन सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रेकवार विजय, राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी, थांदला सीट से तोल सिंह बुरिया और पेटलावद रामेश्वर सिंघार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इन 5 सीट पर कांग्रेस पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। राजनगर से सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव में ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। वहीं जेडीयू का इस तरीके से एमपी में अपने उम्मीदवार उतारना कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का कि क्या इंडिया गठबंधन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले ही खात्मे की कगार पर है। असल में बिहार में तो महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल सिर्फ जेडीयू की वजह से नहीं उठ रहा है और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी तक सीमित है। ये सवाल इससे पहले सपा के कारण भी उठा था जब पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ या फिर ऐसा कह ले कि इंडिया गठबंधन के साथ बागी तेवर दिखाए थे। वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सपा एमपी की लगभग 50 सीटों पर सपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं इन सभी सीटों पर सपा का सामना बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी है। बता दें कि यूपी से सटे हुए विधानसभा क्षेत्रों में सपा असर डाल सकती है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की लड़ाई में अब नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान है जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे N27 न्यूज़।